नहीं होता है आपका बर्थडे इसके लिए रुके हैं एक फोटो कर पीछे एक और थैंक यू रानी नेवर प्रॉब्लम आगे करो सर स्पेशली व्हेन आई और चार क्लिक है ऐसा नहीं कि पीछे से फर्क डाला कि मैम यहाँ पे मैम यहाँ मैम मैम यहाँ बेटा मैम यार लाइट मारना कौन लाइट महेश मार रहा है मैं लाइट पांडे लाइट दे करा मैम रुक गया समा सेंटर वो तो भी सेंटर लो हो गया मैम यहाँ पे मैम यहाँ नहीं देखा मैम राइट राइट मैम लुक सेंटर ट्राइपॉड का बैग वो बैग किसका है खिलाते हुए इसको दोनों वाले टिश्यू है क्या कपड़ा है ना भाई थोड़ा नीचे बैठ जाना भाई रुक पीछे पैर तो नहीं ठीक है थोड़ा बैठ जा यार आप रुक गया रुक गया सर से तो गाड़ी वो कपड़े से गाड़ी को क्या या या घोड़ा है या या कौन है भाई घोड़ा है अब 2 किलो यस राइट राइट लो यहां घोड़ा है एक मिनट रुको इसका होने दो सब हो जाए सब हो गया लवली चलो सबसे पहले तो हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे थैंक यू एंड
आज का सबसे पहला विश अगर आप हमें बता सकें? सबसे पहला विश मेरा विश किसने किया? ओ मुझे किसने किया? बर्थडे विश एक्चुअली मुझे लोग कल से विश कर रहे हैं, दे थिंक कि मेरा बर्थडे थर्ड को है, फिर उनको याद आता है नहीं फोर्थ को है. सो आई हैव बीन गेटिंग बर्थडे विशेस सिंस यस्टरडे. हु वाज द फर्स्ट वन टू विश मी यस्टरडे? आई थिंक द फर्स्ट वन टू विश मी, नहीं 12 बजे के बाद से काउंट करूँ तो फिर मेरी पूरी फैमिली आ गई थी 12 बजे तो. सो एवरीबडी विश मी विद जेम्स एंड यू नो माई होल फैमिली. या ओके, तो अब जितना भी टाइम है आपके पास कैसे सेलिब्रेट करने वाली? एक तो मीडिया के साथ में हो गया, हमने देखा जी. अब सबसे पहले मैंने आप ही लोगों के साथ सेलिब्रेट किया है. सो जी, सो मैम आज के प्लान्स क्या? पहले तो ये जाना है प्लान्स कुछ नहीं यार. आई यूजली जस्ट सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली. हम लोग बैठ के चिल करते हैं, गप्पे मारते हैं. एक थीम रख देती हूँ मैं ताकि थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाए, सब फोटोज में अच्छे लगे. दैट्स इट. ओके मैम, आज का गेटअप देख के लग रहा है ईव के कॉन्सेप्ट में कुछ तो प्रिंसेस तो लग ही रहे, बट इजिप्ट के कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ईव की कोई कॉन्सेप्ट? थैंक यू. एक्चुअली ग्रीक कॉन्सेप्ट है आज का मेरा बर्थडे का. इट्स ए ग्रीक थीम, सो As you can see, it's all Greek gold stuff and they wear plain white and thoda sa gold jewelry se wo enhance karte hain apne costumes ko. So I just love that. Aur main abhi abhi Greece se aa rahi hu na, to mujhe Greek ka Greece ka bhoot sawar hai. Okay, can there sari pictures bhi dekhi aapki? Thank you. So kaisa raha experience? There is kuch ek beautiful pictures thi, kuch ek hot thi. हॉट पिक्चर तो मैंने पहले देखी होगी. नहीं बहुत मज़ा आया. मिकोनोस हैज़ बिकम वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन. इट्स ब्यूटिफुल, इट्स माइंड ब्लोइंग. सो यू कैन सी कि मैं कितना मिस कर रही हूँ कि मैं अपने बर्थडे पे भी उनकी थीम रख रही हूँ. ओके मैम, कोई एक मेमोरेबल बर्थडे हो क्योंकि इतने साल से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, तो कोई मेमोरेबल बर्थडे या कुछ ऐसी कोई याद है? यार हर बर्थडे मेरा मेमोरेबल रहता है बिकॉज मैं हमेशा, जैसे मैंने कहा कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ जो जेन्युइनली मेरे अपने हैं, जो जेन्युइनली मेरे साथ खुल के रहते हैं. दे आर वल्नरेबल, वी आर ऑल टुगेदर. और वह जब आप इतने टुगेदर रहते हैं तो यू नो जो माहौल बनता है वो ऑटोमेटिकली इतना बेहतरीन बनता है. आई थिंक मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे आज होने वाला है. ओके, लोग कहते हैं कि बर्थडे के दिन जो विश मांगते वो पूरी होती है, तो आज का अगर कोई आपको विश मांगनी हो? अरे यू नो मेरी सारी विशेस पूरी हुई हैं, टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम रियली ब्लेस्ड. एंड मैंने, मुझे ये नहीं पता कि बर्थडे के दिन मांगते हैं वो पूरी होती है, बट मुझे ये पता है कि जो भी दिल से मांगो वो ज़रूर मिलेगा. सो जो भी मैंने मांगा दिल से मांगा और मुझे अल्लाह ताला ने भरपूर दिया है और आगे मुझे दे ही रहा है. सो आई एम जस्ट सुप्रीमली ग्रेटफुल. ओके, यस्टरडे आपकी वेब सीरीज भी लॉन्च हुई जी, फोर्थ एपिसोड जो था, फिफ्थ एपिसोड हमारा, फिफ्थ एपिसोड एक्सेप्टेंस जी. सो कैसा रिस्पांस रहा? आप लोग जाके प्लीज़ पढ़िए कमेंट्स, आपको पता चलेगा कैसा रिस्पांस है. हम तो रिस्पांस पढ़ के बस ऐसे दिल से फूले नहीं समाते हैं बिकॉज एक तो होता है कि आपको पता होता है कि पसंद आएगी लोगों को, हाँ ऐसा आइडिया है, बट इतना पसंद आएगी ये ऑनेस्टली हमें नहीं पता था. और हर बार जब हम एक फिल्म रिलीज़ करते हैं तो थोड़ी बहुत ये रहती है कि पता नहीं ये सब्जेक्ट कैसा लगेगा, ये टॉपिक पे क्या रिएक्शन होगा, बट हर एक टॉपिक पे इतना बेहतरीन रिएक्शन है लोगों का. आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स. आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क, माई परफॉर्मेंस, the kind of project that we are making, and thank you so much for believing in us and giving us all the respect that you are giving. Okay, thank morning you. Mein aaj aapke insta padh raha tha, wahan pe bahut sare fans ne bahut comments kiya, to mashallah aise bhi bahut jane kaha hai ki jitne birthday ja rahe aap utne hi young hote ja rahe ho. To uska kuch raaz agar kuch bata sake? Main har baar plastic surgery kara ke aati hu. But abhi jhooth bol rahi hu, mazak kar rahi hu, please meri baaton ko serious na liya kare. यू नो यंग आदमी खुश रहने से लगता है. मैं बहुत पिछले, जब से जेम्स मेरी लाइफ में आए हैं तब से तो ज़्यादा ही यू नो खुश हूँ. कहते हैं ना प्यार, सबसे ज़्यादा खुशी प्यार से ही मिलती है इंसान को, तो मेरी ज़िंदगी को उन्होंने प्यार से भर दिया है और जो भी खालीपन था मेरा वो पूरा हो गया है. सो आई एम ऑलवेज हैप्पी. मेरी ज़िंदगी में इतने बेहतरीन दोस्त हैं जो मेरे लिए जान देते हैं, उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको लाइफ में. मेरी इतनी अच्छी फैमिली है जो मेरे यू नो एक ज़बान पे कुछ भी करती है. सो जब आप ये रियलाइज़ करने लगते हैं, जब आपको ये एहसास होता है कि आपके पास कितना कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए, थैंकफुल होने के लिए, तब ना आपकी लाइफ, आपकी रूप रंगत सब बदल जाता है. और ये आई नो बहुत लोगों को बड़ा अजीब लगता है जब मैं कहती हूँ कि अरे ऐसा थोड़ी होता, तो हम भी लगते. तुम लगोगे जब तुम ऐसा महसूस करोगे, तुम खुद मुझे कहना उस दिन आके. देखो एक दिन अपने आप को आईने में, जिस दिन सैड हो
उस दिन एक फोटो खींचो और उस दिन खुश रहो उस दिन एक फोटो खींचो, दोनों फोटो में इतना अंतर आएगा तुम्हें लगेगा तुमने प्लास्टिक सर्जरी की है। ओके, आपने अपनी तो विश बता दी पर आपकी फैमिली की भी विश, थोड़े दिन पहले रिजवान जी मिले थे तो उनसे हमने पूछा था आपके बारे में, तो अच्छा बोला मैं बहुत ही खुश हूँ जो भी आपने मुकाम हासिल किया है, बट एक विश है कि आपको सेटल में से मैरिड भी देखना चाहिए, तो आपकी कोई प्लानिंग अगर कुछ बाइक में बोला अगर वो शादी इसलिए कराना चाह रहे हैं सारे मेरी ताकि उनको पार्टी मिले बस और कोई लेना देना नहीं है किसी को। यार आई एम सेटल ओनली, क्या होता है एक लड़की का सेटल होना, ज़रूरी थोड़ी है कि किसी इंसान की शादी हो तभी वो सेटल हो, सेटल यहाँ से होना चाहिए ना, आपको मैं अनसेटल लगती हूँ कहीं से भी किसी को भी, सो आई एम सेटल, वेरी मच सेटल। हाँ पार्टी देनी है, एक शादी का माहौल है, एक वाइट ड्रेस, मैंने आज तो मैंने वैसे ही वाइट ड्रेस पहनी है बट वो भी कर लेंगे, उसमें क्या है, जब मन आया तब कर लेंगे, जवान तो मैं हूँ ही वैसे वो तो आप हमेशा रहेंगे सर। और इसके अलावा मैम अगर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहें। अभी हम एक फिल्म पे काम कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन के अंदर, बहुत इनिशियल स्टेज पे है बट बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है और विद इन अ मंथ और टू मैं आपसे सब शेयर कर पाऊँगी। राइट नाउ वी आर इन अ रोमांटिक अंदाज देखने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा एक्चुअली, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर, यू विल फॉल इन लव विद हर। ओके मैम, दो आखिरी क्वेश्चन, आज किशोर जी की भी बर्थडे है तो कोई एक फेवरेट सॉन्ग आप अगर डेडिकेट करना चाहें या आप गा के। किशोर दा का, किशोर दा मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिंगर हैं, कोई भी आपके जहन में आपके दिल के। मुझे एक्चुअली उनका ये गाना बहुत पसंद है जो मैंने अपनी वेब सीरीज़ में भी गाया है, जो अपनी शॉर्ट फिल्म में कंपैशन में, कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। सो आई रियली लाइक दैट सॉन्ग एंड आई रियली वॉन्ट टू डेडिकेट दैट सॉन्ग टू ऑल माई फैंस एंड ऑल ऑफ यू वॉचिंग मी, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दैट रियली इट रियली इज द थिंग, कि मत घबराओ, एक ही जिंदगी है, जियो खुल के। और आई थिंक यहाँ यहीं पर आपका नया घर भी है। ऐ इसको बताइए हाँ ऐसा कुछ है। ओके लास्टली कल फ्रेंडशिप डे भी है, आपके बहुत ढेरों सारे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, अमृता खंडविलकर ने भी आपको बहुत अच्छे से बर्थडे विश किया और बहुत जन ने विश किया, तो कल कुछ है कोई प्लान्स सेलिब्रेट करने का? आई सेलिब्रेट फ्रेंडशिप एवरी डे, जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव सम वंडरफुल फ्रेंड्स एंड आई मेक श्योर दैट आई लेट देम नो, यू नो बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आप बताते नहीं हैं। मैं हर बार जब उनसे कॉन्वर्सेशन करती हूँ या कभी कभी उठती हूँ तो इतने ग्रेटिट्यूड से मन भरा होता है मेरा कि मैं एक सबको मैसेज भेजती हूँ, थैंक यू फॉर बींग इन माई लाइफ एंड थैंक यू फॉर बींग माई फ्रेंड, थैंक यू फॉर चूजिंग मी टू बी योर फ्रेंड, यू नो बिकॉज कहाँ मिलते हैं आजकल दोस्त यार। सो एक फैमिली एक ऐसी होती है जो आपको भगवान ने दी होती है, कुदरत ने दी होती है, आप उसमें पैदा होते हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, बट फ्रेंड्स आप चूज़ करते हैं, वो हक आपका है। सो और फ्रेंड्स भी कहाँ कौन से जन्म से आपको कहाँ कनेक्शन में आपका कार्मिक कनेक्शन है वहाँ से मिलते हैं, तो एक इंसान जिसका आपसे खून का कोई रिश्ता नहीं है मगर फिर भी वो आपके लिए जान दे सकते हैं, ये इस मेरे लिए फ्रेंडशिप से बड़ी कोई बात है ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं है, तो मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ओके आखिर में यू हैव, आपको भी पता है यू हैव इमेंस नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ फैंस, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो सुबह से आपको विश कर रहे हैं? हाउ स्वीट, या आई वांट टू नाउ टेल एवरीबॉडी, सॉरी आई हैव नॉट बीन एबल टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू, आई हैव बीन क्रेजी बिजी, आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल दैट थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई रियली आई एम सो टच्ड एंड सो हम्बल्ड बाय योर लव एंड बाय योर कॉम्प्लीमेंट्स ईच एंड एवरी डे, you have no idea what you give me, so thank you so much for that genuine respect and love and keep it flowing and thank you for all the birthday wishes, I am truly grateful to have you guys in my life, so and know that I love you all, you are not supposed to give up, you're all stronger than what you think you are, so stand by, just keep hanging in, you will be fine, I know that. So I'm here, I just want to say that I love you and I care for you immensely. Just stay happy and thank you so much for wishing me, it's my birthday, yay! Thank you. Thank you guys, God bless you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Chalo. Cake khalo please, sab log. Thank
Thank you, my love. Sorry, I shouted at you. No, no, no. Because when you called me, I was wearing my dress and it broke. That's not a problem. No, it broke. It's not a good thing. Luckily, I had another one, so I wore it. Chalo. How sweet. Please send me. Thank you. Thank you, Arun. Thank you so much, guys. Thank you so much for coming. God bless you all. Please keep hugging. Do we have enough cake for everybody? Yes. Okay. Come. 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 Come.